नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की जेड प्लस सुरक्षा वापस ले ली है। शिरोमणि अकाली दल की ओर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए छोड़ने के 2 महीने से भी कम समय के भीतर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। कृषि से जुड़े 3 कानूनों को लेकर अकाली दल बीजेपी से अलग हो गया था। इन कानूनों को लेकर किसान पंजाब में प्रदर्शन कर रहे हैं। अकाली दल का कहना है कि मजीठिया को दी गई सुरक्षा वापस लेने की टाइमिंग से पता चलता है कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। केंद्र सरकार ने मजीठिया की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार के पाले में गेंद डाल दी है। पंजाब सरकार मजीठिया की सुरक्षा को रिव्यू करने के बाद इस पर फैसला लेगी। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, पार्टी विक्रम सिंह मजीठिया की जेड प्लस सुरक्षा कवर को वापस लेने के भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के मनमाने तानाशाही और राजनीति से प्रेरित फैसले की निंदा करता है। मजीठिया की सुरक्षा को वापस इसलिए लिया गया क्योंकि उनकी पार्टी ने केंद्र के कृषि कानून का विरोध किया है। विक्रम सिंह मजीठिया को केंद्र की तरफ से CISF की सुरक्षा दी गई थी। मजीठिया गैंगस्टरों और आतंकियों की हिट लिस्ट में रहे हैं, उन्हें धमकियां मिलती रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद राज्य के DGP ऑफिस में उनकी सुरक्षा को रिव्यू करने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में DGP दिनकर गुप्ता समेत सुरक्षा विंग और इंटेलिजेंस विंग के आला अधिकारियों की संयुक्त रूप से होने वाली बैठक में इस बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। पंजाब में पुलिस को VIP सुरक्षा रिव्यू करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि मजीठिया की सुरक्षा वापस लेने का फैसला बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल के राजापुर कार्यालय में की गई तोड़फोड़ के बाद लिया गया है। पंजाब पुलिस विभाग पिछले 2 सालों के दौरान 1800 पुलिसकर्मियों को VIP लोगों की सुरक्षा से हटा चुका है, लेकिन अब भी 7000 पुलिसकर्मी सिर्फ VIP लोगों की सुरक्षा में लगे हैं। कुछ नेताओं की सुरक्षा कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी वापस ली गई थी। 26 सितंबर 2020 को बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल 3 कृषि बिल के विरोध में NDA से अलग हो गया। सुखबीर सिंह बादल ने अलग होने के बाद कहा था कि हम NDA का हिस्सा नहीं रह सकते क्योंकि केंद्र सरकार MSP बचाए रखने की विधायी गारंटी ना देने पर अड़ी है। करीब 23 साल पुराना गठबंधन टूटने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये जानकारी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी शाश्वत। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। Facebook पर क्या फैला, Twitter पर कौन हुआ ट्रोल, YouTube की ट्रेंडिंग से लेकर Insta के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी ललन टॉप पर।